डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायल इंप्रूवमेंट क्लास 8, चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर नाम 6 फूड प्रोडक्शन। सो द हाउ द इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस पढ़ी है इसके बारे में, प्रैक्टिस पढ़ी है। तो उसमें एक प्रैक्टिस हमने पढ़ी थी एडिशन ऑफ मैनुअल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जब उनको हम ऐड करते हैं सॉइल में तो इससे क्या हो जाता है, जो सॉइल होती है द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज। व्हाट विल हैपन टू दिस, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप ऑन द प्रोडक्शन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ द एडिशन ऑफ द मैनुअल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो आज हमें पढ़ना है उसके आगे, उसके बगैर भी, उसके बगैर मैं फर्टिलाइजर यूज करने के बगैर भी कुछ ऐसे मेथड्स है जिसमें हम सॉइल को इम्प्रूव करेंगे, इसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करेंगे। सो व्हाट आर दीज मेथड्स, द फर्स्ट मेथड इज द क्रॉप रोटेशन। सेकंड मेथड इज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। And third one is the field follow. So these are the other methods that we utilize to increase the fertility of the soil. So what are these? We can discuss them one by one. Crop rotation क्या होती है? इसका मतलब होता है growing crop plants alternately in the same soil. But what type of growing ये भी देख सकते हैं, growing different crops। इससे क्या मतलब क्या हुआ है, यानी कि हमें ग्रो करना है मुख्तलिफ क्रॉप प्लांट्स को alternately कर रहे हैं। I will understand you एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा लिग्यूमिनस प्लांट्स, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें एक्टिविटी होती है, दे पिक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, पल्सेस आते हैं उसमें। ये जो प्लांट्स होते हैं जो उनके रूट्स होते हैं, जैसा कि इसका पी प्लांट है, जो इसके रूट्स होते हैं दे बेयर दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है ये क्या करता है, इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू कन्वर्ट दिस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। या सिंपल यू में कहा कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, यूजफुल फॉर्म। सो दिस अबाउट द लिग्यूमिनस। जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जब हम ग्रो करते हैं तो उनमें एक कैपेसिटी होती है, उनमें एक रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है बैक्टीरिया और राइजोबियम होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो सॉइल होती है इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। किससे, नाइट्रोजन की मिकदार, नाइट्रोजन कंपाउंड्स की मिकदार ज्यादा हो जाती है इसमें, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दिस लिग्यूमिनस प्लांट्स। जब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन, इसमें हमें क्या करना है, अगर हम ग्रो करेंगे सीरियल क्रॉप्स को पहले फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सीजन, जैसे लैंड ट्रीज है, व्हेन वी ग्रो क्रॉप प्लांट्स सीरियल क्रॉप प्लांट्स, जस्ट लाइक वी ग्रो द वीट, यू नो अबाउट द वीट यूटिलाइज मोर नाइट्रोजन इन फर्स्ट सीजन। इफ वी
वी मस्ट, यानी कि जब हम क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम, उसके बाद एक और क्रॉप ग्रो करते हैं, वो कौन सा होना चाहिए, जो ये जो डिप्शन से आई है प्लांटों से, जो डिप्शन से आई है इस सॉयल में सिंगल क्रॉपों से, तो इसको पूरी करने के लिए हमें क्या करना है, वी ग्रो द व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट्स, ऑल्टरनेट प्लांट्स, वी ग्रो यर लिग्यूमिनस प्लांट्स सेकंड सीजन, इस तरह हम या सेकंड ईयर, इस तरह हम थर्ड ईयर को क्या करेंगे, हम फिर ग्रोएंगे सीरियल क्रॉप्स, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ईयर के बाद हमें क्या करना है और को ग्रो करने सीरियल क्रॉप, इससे क्या हो जाता है जो फर्टिलिटी सॉइल की है वो बरकरार रह जाती है, यानी कि जो जो सीरियल प्लांट्स है ये कैप्चर करते हैं ज़्यादा नाइट्रोजन को, तो ये डिप्शन होती है जमीन जो होती है, ये डिप्शन होती है नाइट्रोजन डिप्शन से होती है इसमें, तो हमें क्या ग्रो करना चाहिए, हमें लिग्यूमिनस प्लांट्स, लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, रिपेल द नाइट्रोजन द सॉइल, यानी कि ये रिपेल करते हैं किसको, नाइट्रोजन को जमीन में, तो इसको बोलते हैं कि दिस इज द रोटेशन ऑफ क्रॉप, हाउ वी रोटेट द क्रॉप, हाउ वी रोटेट द क्रॉप, यानी क्रॉप रोटेशन किस तरह से करते हैं हम, क्योंकि इससे जो जमीन की फर्टिलिटी है वो रह जाती है, सो दिस इज द क्रॉप रोटेशन, एक्चुअली क्या ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली, सो ऑल्टरनेटली हमें ग्रो करने हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। दूसरा जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है इसमें हमें क्या करें, इट इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर टेक्निक, इन दिस वी यूटिलाइज टू आर मोर डिफरेंट क्रॉप्स, टू आर मोर डिफरेंट क्रॉप्स, नॉट इन द डिफरेंट फील्ड बट इन द सेम फील्ड, इन द सेम फील्ड, बिफोर वी ग्रो दीज क्रॉप्स वी शुड नो दैट if you take the two plants, if you take the two crops here, we know that nutrient content of both these plants, isme kya karte hain, isme hum two crops ya do se zyada crops ek ye mix karte hain, to inme to hum mix karte hain to unko grow karte hain, magar hame aise dekhna hai yani ki zameen par fark nahi padna chahiye, is the nutrient content par fark nahi padna chahiye, aise plants hame grow karne, just like we take the example hame grow karna chahiye ग्राउंड नट, इट्स द लिग्यूमिनस प्लांट, एंड ऐसे हमें ग्रो करना है कॉटन, सो दीज प्लांट्स द वेस्टेज, एंड वन प्लांट जो होगा इसमें वो मेजर होगा, जो दूसरा वो माइनर होगा, तो हमें ये ग्रो करने हैं, यानी कि दिस इन द मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप में क्या करते हैं, दो से ज्यादा प्लांट्स हम ले ग्रो करते हैं, तो एक ही फील्ड में, जिससे क्या जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी रहती है वो भी बरकरार रह जाती है, और जो जो प्रोडक्शन है वो भी मिलते हैं, इससे क्या हो जाता है, उससे एक फार्मर को टाइम सेव होता है, लेबर भी बच जाते हैं, वो प्रोडक्शन भी अच्छी निकलती है, सो दिस इज द अनदर, दिस इज द अनदर प्रैक्टिस एंड दिस इज द अनदर मेथड ऑफ टू इंक्रीज द सॉइल इंप्रूवमेंट, टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज द फील्ड फॉलो, फील्ड फॉलो क्या होता है, सिंपल प्रोसेस है, इसमें एक सीजन या वन ईयर के लिए हम फील्ड को कोई प्लांट ग्रो नहीं करते, इससे क्या हो जाता है, इससे क्या जाता है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं यहाँ, यानी कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, या जो इससे क्या हो जाता है, फर्टिलिटी आप सॉइल बढ़ जाती है इस साल में या इस सीजन में, तो हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन में हम इसको फिर इस्तेमाल करते हैं, फिर क्रॉप ग्रो करते हैं, तब तक इसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वो आ जाते हैं फील्ड फॉलो से, जब हम इसको फॉलो करते हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं एक महीने एक सीजन के लिए या एक ईयर के लिए या एक सीजन के लिए, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट कैपेसिटी रिप्लेनिश ऑफ द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस, ड्यू टू दिस वी कैन ग्रो इजली इन द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्रॉप। Thank you very much.